बिल्कुल, ताजनगरी आगरा यूपी का सबसे बड़ा कोरोना हब बन गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, अब तक 92 लोगों की अगर हम बात करें तो इससे संक्रमित पाए गए हैं, लगातार मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है? सरकार की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि बहुत दूरदर्शिता और अपनी लीडरशिप की क्वालिटी का परिचय देते हुए उन्होंने इंडिया को लॉकडाउन कर दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत कदम लिए, लेकिन जो तबलीग जमात के लोग जो निजामुद्दीन की मरकज से आए और वहां से आने के बाद पूरे देश में गए और देश में जाने के बाद कैमुफ्लाइज हो गए, कंसील हो गए, उन्होंने लोगों को बताया नहीं, सूची नहीं दी है और क्रम से लगातार संपर्क में आए, फिर संपर्क ही संपर्क में आए, तो पुलिस के लिए ये बड़ा सिरदर्द हो गया है कि जब तक वो फॉरवर्ड खुद नहीं आएंगे और अपने संपर्क की लोगों की सूची पुलिस को उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक ये हिडन जो पॉजिटिव हैं ये लगातार चक्रवर्ती व्यास की तरह और सुरसा राक्षसी की तरह अपना मुंह फैला ही जा रही है ये बीमारी। जी बिल्कुल एसपी सिंह बघेल जी, ये कहना सही है कि तबलीगी जमात के बाद से ही आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़े हैं। 92 आगरा की हम देखें अगर बात करें तो उनमें से 48 तो जमाती के ही हैं, लेकिन इन सब के बीच प्रशासन की तरफ से किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इनके खिलाफ? जी अंकिता जी, हमारे प्रशासन ने ये किया कि सबसे पहले तो जो उत्तर प्रदेश में थे मुख्यमंत्री जी ने 15 जिले में हमें टॉप पर रखा है क्योंकि हमारे पास मरीज भी सबसे ज्यादा है और उसके बाद हमने ये जो हॉट स्पॉट करके ये 22 किए थे, उसके बाद दो कुछ कम किए लेकिन उसके बाद एक अस्पताल में प्लस होने पर उसको हॉट स्पॉट बढ़ा दिया है। हमने 100% लॉक कर दिया है, सील कर दिया है और कोई अंदर नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता, वहाँ मीडिया का भी प्रयोग कर देते हैं, वहाँ पास भारत पासों की संख्या कम कर दी है और सैनिटाइजिंग हम कर रहे हैं वहाँ फायर ब्रिगेड के साथ और फूड एंड सिविल सप्लाई के द्वारा डोर टू डोर हम वहाँ पर सामग्री कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ हम लोगों ने एस एन मेडिकल कॉलेज में 200 आइसोलेशन के बेड की तैयारी कर रखी है, 50 हमने कर रखी है, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और 22 एक बरौली अहीर के TSC में और 10 जिला अस्पताल में। यहाँ पर दो पॉजिटिव पाए गए उन अस्पताल को भी हम लोग क्वारंटाइन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी तैयारी तो पूरी की जा रही है सरकार की तरफ से और लगातार कोशिश भी यही की जा रही है जल्द से जल्द इस महामारी को किसी तरह से कंट्रोल में किया जाए और अपील भी की जा रही है कि लोग अपने घर पर ही रहें, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सबसे ज्यादा जगहों को सील किया गया है आगरा में 33 जगहों को सील किया गया है, वहां पर किस तरीके से आप लोगों तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं? देखिए मैं वहाँ के लिए भी और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आपको कहना चाहूंगा कि हमारी FCI के गोडाउन में हिंदुस्तान में इतना गेहूं है कि हम 3 साल तक लोगों को आटा खिला सकते हैं। मेरे आगरा में हमारे पास 100 से ऊपर कोल्ड स्टोरेज हैं जो 1 लाख के ऊपर बैगेज की कैपेसिटी के हैं। हम पूरे उत्तर भारत को आलू खिलाते हैं, अब हमारे आगरा के तरफ जिम्मेदारी है। अगर हमारे आलू उत्पादक किसानों की लागत का लाभकारी मूल्य उनकी सहमति से सरकार लेना चाहे तो हम 5 साल तक संपूर्ण आगरा को आलू की सब्जी खिला सकते हैं और हमारी FCI में इतना हमारे पास गेहूं है। PDF सिस्टम जो है खाद्य वितरण प्रणाली हिंदुस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी है क्योंकि हम 80 करोड़ हमारे यहाँ कार्ड धारक हैं, तो पहले उनको आना पड़ता था, अब डोर टू डोर सप्लाई करनी पड़ेगी। हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास लेखपाल है, हमारे पास बीट कॉन्स्टेबल है, हमारे पास पार्षद है, हमारे पास सफाई कर्मचारी है, हमारे पास प्राइमरी स्कूल्स हैं, हमारे पास राशन विक्रेता है। थोड़ा बहुत करप्शन उसमें हुआ है, हमेशा होता है, लेकिन इतना आपको मानना पड़ेगा कि इंडिया का PDF सिस्टम घर बैठे हम चला सकते हैं। छोटे मोटे देशों में जितना गेहूं पैदा होता है उतना FCI के गोडाउन में चूहे खा जाते हैं। बिल्कुल SBG, और लगातार आपकी तरफ से भी कोशिश तो की जा रही है किसी तरह स्थिति को काबू में किया जाए। हमने कई बार ऐसे देखा है कि आपकी तरफ से राहत पैकेज भी दिए गए हैं उन जरूरतमंदों को, मजदूरों को, छोटे गरीब जो लोग हैं, और खाने पीने के भी इंतजाम आप कर रहे हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा है। जी नया काम किया है, आपके संवाददाता आपको बताएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे जी, एक नया आज आप इसको बघेल सैनिटाइजिंग मॉडल भी कह सकते हो या इसको किसान सैनिटाइजिंग मॉडल भी कह सकते हो फादरा, और वो आज हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है क्योंकि इस बीमारी को आप दो प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग से, सैनिटाइजिंग से। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार अपील कर रही है, अब थोड़ा डंडा भी चलाया जाएगा और चला भी रहे हैं, लेकिन सैनिटाइजिंग अपने प्रयासों से समाज नहीं कर सकता है। यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अपने युद्ध स्तरीय प्रयास सैनिटाइजिंग के लिए कर रहे हैं, तो हमारे साथियों के दिमाग में एक बात आई
हमारा आलू उत्पादक हमारा राज्य हमारा हमारी लोकसभा है, मेरी 5 पुर से 4 बार एमपी रहा हूँ, बेबी वहाँ से हूँ, आगरा का मतलब शहर के अलावा देहात भी है। हमने अपने मित्रों प्रशंसकों और समर्थकों से कल 12 घंटे पहले एक अनुरोध किया कि आपके पास ट्रैक्टर है, आपके पास 500 लीटर 1000 लीटर की टंकी होती है, क्योंकि आलू की खेती में हम कीटनाशक का प्रयोग स्प्रे मशीन के साथ करते हैं जो 200 मीटर तक जा सकता है पाइप। तो मैंने 50 लोगों को बुलाया था, लेकिन आज खुशी की बात है कि देहात के 65 ट्रैक्टर तो सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। हमारा ट्रैक्टर, हमारा ड्राइवर, हमारा डीजल, हमारी पूड़ी, हमारे केले, हमारे सैनिटाइजिंग और हमारी और इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट एक सोल्यूशन होता है, वही इसमें इफेक्टिव है, उसको हमने खरीदा है और उसमें डाल करके आज 65 ट्रैक्टर आगरा शहर के 100 वार्डो में निकले हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज हम पूरे आगरा को सैनिटाइज कर ही देंगे, लेकिन जब कई संस्थाएं हैं जिनके पास करोड़ों का बजट है और संसाधन है, कर्मचारी हैं, ये मेरे मित्र समर्थक और प्रशंसक अनुयायी जिनके ट्रैक्टर में इलेक्शन में नॉमिनेशन में हमेशा रैली में धुने में प्रदर्शन दिलाया करता था, आज वैश्विक महामारी से निपटने के लिए उनसे अनुरोध किया है और अपनी जान की बाजी लगाकर मेरे गाँव के हमारे किसान लोग अपना ट्रैक्टर इवन अपनी पानी भरा के लाए 1000 लीटर गाँव से, पता नहीं शहर की क्या पोजिशन होगी, और उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट ये डाल करके हम लोगों बिल्कुल ने, बिल्कुल एसपी जी ये एक अनोखी और अच्छी पहल आपकी तरफ से की जा रही है, बेहद ही सराहनीय है। लेकिन मैं उन किट्स के बारे में जानना चाहूंगी, उन किट्स के बारे में जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस वक्त डॉक्टरों को, तो उसको लेकर क्या किया जा रहा है फिलहाल? देखिए उसके लिए किया जा रहा है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 7 दिन पहले ये अनुरोध किया था और अपने पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने कहा था कि आगरा नंबर 1 पे जा रहा है और मैं अपने निजी अनुभव आगरा की भौगोलिक सामाजिक और धार्मिक संरचना को मैं समझता हूँ और लोगों के स्वभाव को कि यहाँ 70 दिन प्लस होंगे, तो मैंने उनसे कहा था कि अगर 14 तारीख को हम लॉकडाउन से वीसी खुलता है तो भी आगरा ना खोला जाए, मैं इसके लिए स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा। दूसरा मैं थोड़ी और सख्ती चाहता हूँ। तीसरी बात है कि हमारे यहाँ जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो वो पुलिस चौकी और थाने के माध्यम से, इसको आगरा मॉडल आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 20 कॉन्स्टेबल होता है, भूखे लोग, गरीब लोग, लाचार लोग, पीड़ित लोग अपनी सूची थाने और चौकी को गए, हमारी सामाजिक आगरा की चैरिटेबल संस्थाओं ने अब तक 7 लाख लोगों को खाना खिलाया है। जब मेरे शहर में 1.5 लाख माइग्रेटेड लेबर आ गई थी तो एक आदमी को 5-5 लोगों ने खाना के लिए पूछा था और हमने उनके लिए वाहन और भोजन का व्यवस्था की थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि केवल आलू उत्पादक किसान हमारे क्षेत्र में नहीं है, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, कासगंज, इटावा, औरैया, फरकाबाद, कन्नौज, बिल्कुल ये हमने देखा है कि लगातार किस तरीके से आपकी तरफ से मदद की जा रही है उन जरूरतमंदों के लिए और खाने पीने का भी इंतजाम बिल्कुल किया जा रहा है। लेकिन मैं जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी फिलहाल कि आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन अभी इस वक्त बढ़ने की जरूरत है या नहीं? आज जो बैठक हुई उसके बाद क्या कुछ फैसला लिया गया? जी बैठक का फैसला आप जाने, मैं तो कैसेट चला रहा था और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक आगरा में पॉजिटिव आते रहेंगे हमारे किसान अपने संसाधनों से सरकार का 1 रुपया खर्च किए बिना हम आगरा को सैनिटाइज कर लेंगे, ये हमारा गिलहरी प्रयास है, ठीक है ना? इसके लिए दूसरी संस्थाएं होती हैं, लेकिन इस समय हमें सरकार की सहायता करनी चाहिए क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। बिल्कुल 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 एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है एसपी सिंह बघेल जी, एक साथ इस वक्त मिलकर लड़ने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा सावधानी। दो मिनट ये लूंगा केवल मॉडल को प्रचार के लिए कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, नगीना, ये गन्ना उत्पादक है, गन्ना तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें कीटनाशक का स्प्रे ना हो, उन सब किसानों के पास ट्रैक्टर है, टंकी है, ये सरकार को देना चाहिए सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये किसान के घर में नहीं पैदा होती है, तो ये हम पश्चिम में सैनिटाइज कर सकते हैं, पूरब में हमारे कुशवाहा साथ मौर सैनी भाई है, ये बहुतायत में सब्जी पैदा करते हैं और आप खुद अपनी माँ से पूछे हैं कि आखिरी भोजन आपको कब दिखा था जिसमें कीड़ा था, क्योंकि अब सब्जियों में कीटनाशक का प्रयोग होता है, उनके पास मशीन है पीस पे रखने वाली या ट्रैक्टर वाली, तो वो क्रिएटिव ग्रेन फ्रॉम होम, सभी किसान बाहर आए और अपने गांव को, अपने खेत को, अपने अपने कस्बे को सैनिटाइज करें और मोदी जी और योगी बिल्कुल करेंगे, आपकी बात पूरे देश तक पहुंच चुकी है और आपने जो पहल की है वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल सिंह जी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस
any update.